आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब सीखनी है भक्ति कि भक्ति होती क्या है, किस प्रकार से होती है और भक्त के गुण क्या होते हैं, और ये सिखाएंगे हनुमान जी। बहुत ध्यान से समझकर और आईना अपने सामने रख लीजिएगा, लुकिंग ग्लास, उसमें बराबर अपने को देखते रहिए। बड़ा ना हो तो छोटा ले लीजिए, पर दर्पण सामने होना चाहिए। अभी जो जो बात हनुमान जी कहेंगे ना, उनकी बात सुन के फौरन दर्पण देखना है, आईना देखना है, और फिर ये महसूस करना है भीतर, साथ साथ इस बात को सर्टिफाई करना है, प्रमाणित करना है कि जो हनुमान जी कह रहे हैं और जो हम हैं दोनों में कितना फर्क है, बस यह जानना है। तो कल हनुमान जी क्या कह रहे थे, प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए और उनके चरणों में वंदन करते हुए क्या कह रहे हैं, विनती करते हुए स्वयं को कहते हैं, मैं मंदबुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ और मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ और अज्ञानी हूँ। अपने विषय में हनुमान जी क्या क्या बातें कह रहे हैं, और हम सब तो इन सब बातों से इनकार करेंगे। हम कहेंगे हम कहाँ के मूर्ख हैं, हम तो बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, हम सरीखा कोई सयाना इस संसार में ही ना होगा। और हनुमान जी कह रहे हैं मैं मोह के वशीभूत हूँ, तो हम कहेंगे कि हम कहाँ हैं मोह के वशीभूत, नहीं, ना हम कुटिल हैं ना हम अज्ञानी हैं। अरे हनुमान जी हों तो हों, हमें क्या लेना देना, और हनुमान जी हैं तो कह रहे हैं अपने बारे में, हम तो ऐसे नहीं हैं, हनुमान जी होंगे ऐसे। अब आगे हनुमान जी और क्या कह रहे हैं प्रभु राम से, उनके चरणों में गिरे हुए हैं और गिरते हुए क्या कह रहे हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, कि हे मेरे स्वामी, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण है, बहुत अवगुण, दर्पण देख रहे हैं ना साथ में, और साथ साथ ये भी कहिए कि हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, हनुमान जी में होंगे वो कह रहे हैं, उनकी वो जाने, हम हनुमान जी के जिम्मेदार थोड़ी ना है। अब है उनमें अवगुण तो हैं, पर हम में नहीं है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन थोड़े, कह रहे बेशक से मेरे में इतने अवगुण हैं, लेकिन प्रभु आप मुझे भूल जाएंगे तो कैसे बात बनेगी, आपका भूलना नहीं बनता, आप मुझे मत भूलिए। नाथ जीव तब माया मोहा, कह रहे मेरे प्रभु, हे नाथ, ये जो जीव है ना, ये आपकी माया से मोहित हुआ पड़ा है, उसने इसे वशीभूत किया हुआ है, और इस कारण से ये न जाने कितने अवगुणों से घिरा रहता है। अवगुण ही अवगुण घेरे रहते हैं इसे, क्योंकि माया जितना अधिक जीवात्माओं को अवगुण से घेरेगी, पापों से घेरेगी, उतनी अधिक उसकी राम से दूरी बढ़ती जाएगी, उतनी अधिक। सीधा सा सूत्र है राम से दूरी करने का, पाप में आत्मा को लगा दो, पापात्मा कर दो। जब पाप में व्यक्ति संलग्न हो जाएगा, अवगुणों से भर जाएगा, दोषों से भर जाएगा, तो राम से स्वतः ही विमुख हो जाएगा, वो राम की तरफ देखेगा ही नहीं, राम से उसका कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम रे ही छोहा, कि इस माया से तो निस्तार पाना बहुत कठिन है, किंतु यदि आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया दृष्टि हो जाए, तब यह माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर इस माया से पार जाया जा सकता है, किंतु आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और आप तो प्रभु मुझे भूल ही गए, तभी तो आपने पूछा कि हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब हे ब्राह्मण देव आप भी अपना परिचय दीजिए,
जबकि आप सब जानते थे मेरे बारे में। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जाने हूं नहीं कुछ भजन उपाय। कह रहे उस पर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम जी, हे रघुबीर, हनुमान जी ने हाथ जोड़े हुए, पैरों में पड़े हुए हैं राम जी के, और क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी दुहाई देता हूँ, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, शपथ लेता हूँ आपकी राम जी। किस बात की शपथ? जाने हूँ नहीं कुछ भजन उपाय, मुझे कुछ भजन करना नहीं आता, कोई उपाय करना नहीं आता, कोई विधि विधान नहीं आता। दर्पण देख रहे हैं ना, कहिए हनुमान जी को कि हनुमान जी बिल्कुल नहीं आता होगा, वानर जाति के आपको कहाँ आता होगा, हम देखो शहरों के अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब आता है, सब आता है हमें, भजन कीर्तन बहुत, हम रोज सुबह कैसेट लगाते हैं भजन की, आपको नहीं आता होगा, हमें आता है। और हम कितनी कितनी बार आपकी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान बाहु और ना जाने क्या क्या हम बाँच चुके हैं लाखों लाखों बार। अरे हमसे सीख लो ना हनुमान जी, आपको नहीं आता तो हमें सब आता है, बताते हैं लोग कि मैंने इतने लाख बार गायत्री का जाप किया। कोई कहता है कि मैं जो सत बार पाठ कर सोई, मैं तो 700 बार पाठ करता हूँ, कहा गया है हनुमान चालीसा में एक दिन में 700 बार। कोई कहता नहीं 100 बार, कोई कहता मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। पूरा गणित, पूरा हिसाब किताब, पूरा अकाउंट रखा हुआ है कितनी कितनी बार, जैसे हनुमान जी वहाँ बैठे एक एक चना ले लेकर गिन रहे हैं कि भैया इसने इतने मंत्र पढ़ लिए, और इधर हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मुझे तो भजन करना ही नहीं आता। अपने बारे में झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वो सच बोलेंगे ना, तो सच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे प्रभु जी भजन करना ही नहीं आता, न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। कह रहे मुझे कुछ भी नहीं आता, कोई विधि विधान नहीं आता, भजन करना नहीं आता, पूजा पाठ करना नहीं आता, और ये मैं राम जी आपकी सौगंध खाकर कह रहा हूँ। अब झूठी सौगंध थोड़ी ना खाएंगे हनुमान जी, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि आप हनुमान जी से हम सब लोग कितने श्रेष्ठ हैं, कितने श्रेष्ठ, हम तो कितना कितना भजन जानते हैं, मार दुनिया भर का जानते हैं ना, तो ये भक्ति सिखा रहे हैं हनुमान जी। अब इसे समझ लीजिए कि भक्त की मनस्थिति क्या होती है। क्या हनुमान जी को भजन नहीं आता होगा, भजन नहीं करते होंगे, भजते नहीं होंगे? भजन करना क्या होता है? ईश्वर को भजना, याद करना, स्मरण करना, ये जो भजना है, स्मरण करना है, वही भजन बना है। लेकिन जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, वे कितना भी भजन कर लें, उनको यही रहता है कि मुझे तो भजन करना आता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है भजन करना, क्योंकि वो तृप्ति नहीं होते, उनकी तृप्ति ही नहीं होती, सदा यही रहता है कि नहीं बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। तो ये वह भाव दशा है, भाव दशा। इस भाव दशा में पहुंचना विरलों के बस की बात है, विरले ही पहुंचते हैं, और वे ही पहुंचते हैं जिन पर राम जी की कृपा हो जाती है, जो स्वीकृत हो जाते हैं राम जी के द्वारा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जान हूं नहीं कुछ भजन उपाय, सेवक सुत पति मात भरोसे। अब राम जी से क्या कह रहे हैं कि देखिए मेरे प्रभु, जो सेवक है ना, वह अपने स्वामी के भरोसे होता है, और जो संतान है वो अपनी माता के। अब मैं तो आपके भरोसे हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारी, मेरा सारा उत्तरदायित्व आपका है, मुझे कुछ नहीं आता, भजन कीर्तन विधि विधान कुछ नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, बस एक बात, कि सेवक का ध्यान स्वामी रखता है और संतान का ध्यान माता रखती है, बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं पता। रहूं असोच बन ही प्रभु पोसे, और कहते हैं प्रभु को
भक्त की चिंता मिटाकर उसका पालन पोषण करना ही बनता है। कैसा भी हो सेवक, संतान कैसी भी हो, ये बनता है माता का कि वह उसका ध्यान रखे। स्वामी का ये कर्तव्य बनता है वह सेवक का ध्यान रखे। इसीलिए तो सरकार कितना ध्यान रखती है सेवकों का, देखा है ना। एक से बढ़कर एक निकम्मे सेवक होते हैं, ड्यूटी पर आते हैं कोई काम नहीं करते, जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनकी तरफ देखते तक नहीं, बस इधर उधर की बातें करते हैं, मुफ्त की तनख्वाह लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन सरकार ऐसे निकम्मे सेवकों को भी सर माथे पर बिठा कर रखती है, उनकी हर सुख सुविधा का, इलाज का, शिक्षा का, घूमने फिरने का, सैर सपाटे का, चाट पकौड़ी का सब प्रबंध करती है सरकार, उनका भी करती है, और जो बेहद मेहनती ईमानदार हैं उनका भी करती है बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए तो हम सभी सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्या मिली, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत धनी आदमी के हम दामाद बन गए हों। अब धनी आदमी का दामाद हो तो वो ध्यान तो रखेगा अपने दामाद का पूरा, यही सब हो रहा है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि स्वामी का कर्तव्य है अपने सेवक का ध्यान रखना, और माता का कर्तव्य अपनी संतान का ध्यान रखना। बस हम इतनी बात जानते हैं, और प्रभु हमें कोई ध्यान वगैरह कुछ नहीं आता, कोई भजन पूजन कीर्तन विधि विधान कुछ नहीं। यहाँ सीखना है उन लोगों को जो लोगों से पूछते रहते हैं, मुझे बहुत पूछते हैं क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का हूँ, और मेरे जैसे अन्य लोगों से भी पूछते हैं कि कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करें, कौन से फूल चढ़ाएं भगवान को, अच्छा दोपहर को पूजा कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं, कितने बजे कर सकते हैं, क्या क्या बनाएं क्या ना बनाएं, उसमें दूध गाय का लाएं या भैंस का लाएं या बकरी का लाएं, कपड़ा सूती हो या रेशमी हो, कितने कितने विधि विधान पूछते रहेंगे, कितने कितने, बस भाव नहीं लाएंगे, बाकी सब गणित उठा लाएंगे। तो यहाँ हनुमान जी यही चीज़ समझा रहे हैं बार बार कि सिर्फ भीतर का भाव गहराना है, भाव का जगत है ये, भाव से ही प्रभु रीझते हैं, भाव के ही भूखे हैं प्रभु, उन्हें आपके हिसाब किताबों से कोई लेना देना नहीं कि आपने कितनी बार उनका जाप किया या आपने विधि विधान से अनुष्ठान किया या नहीं किया। ये सब बातें बड़ी बेमानी हैं, बेमतलब की हैं, निरर्थक हैं। वास्तविक अर्थ है कि कितना आप राम के साथ जुड़ पाए, परमात्मा से कितना जुड़कर कर पाए भजन, कितना आपके भीतर वो गहराई कितनी थी, डेप्थ कितनी थी, मूल प्रश्न उसका है। अस कही परे हूँ चरण अकुलाए, ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में पड़ गए, व्याकुल होकर विह्वल हैं कि ये क्या हुआ कि मैंने तो पहचान लिया प्रभु को, थोड़ा समय लगा, माया से घिरा हुआ था, लेकिन प्रभु मुझे पहचान नहीं पा रहे, भूल गए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अच्छा अपना परिचय दो। कितना बड़ा आघात लगता है, कितना बड़ा आघात कि जिनके आप गहरे सेवक हैं वह आपको कह दे कि अपना परिचय दो, मैं तो नहीं जानता तुम्हें, तो बड़ा धक्का लगा, सदमा लगा, आघात लगा। निज तन प्रकट प्रीति उर्छाई, और हनुमान जी ने वो ब्राह्मण का वेश एक तरफ किया, अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, और उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम लहरा रहा था। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण के वेश के कारण ही प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो वेश हटा दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए, प्रेम और आनंद से भरे हुए और अधिक। तब रघुपति उठाई उर लावा, अब यहाँ समझिए समझने वाली बात, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, तब रघुपति, तब
ये तब सबसे मूल्यवान आया, ये तब सेंटर है, ये तब प्राण है, यहां पर असल बात इस तब में आ गई है। वैन तब कहते हैं हनुमान जी ने जब अपना वो दूसरा वेश ओढ़ा हुआ था ब्राह्मण का, आवरण जो ओढ़ा हुआ था, जो ओढ़न थी वह जब हटा दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए, तब, पहले नहीं, जब तक हनुमान जी ने स्वयं को छुपाया हुआ था, छल हो रहा था ना प्रभु से, छल किया जा रहा था, कपट किया जा रहा था कि छिप कर प्रभु का भेद लेने आए हैं आवरण। तो इसी तरह से जब तक हम अपने ऊपर कोई आवरण डाले रहते हैं, ओढ़े रहते हैं, तब तक प्रभु भी हमें नहीं पहचानते। वो कहते हैं ठीक है भैया, ओढ़े रहो, मजे में रहो, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जब तक हम अपने इन बाह्य आडंबरों को ओढ़े रहते हैं, तब तक प्रभु भी हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना वो आवरण हटाया, वैसे ही तब रघुपति उठाई और लावा, राम जी ने हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। बीच की बाधा, बीच का बंधन, बीच का छल, बीच का वो आवरण, वो घूंघट सब हट गया। तो प्रभु को फिर हृदय से लगाना ही था, लगा लिया। निज लोचन जल सींच जोड़ावा, और देखा हनुमान जी ने कि प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु हैं, प्रेम के अश्रु, और उन अश्रुओं से उनके हृदय में शीतलता पड़ गई, सुकून आ गया, करार आ गया, कलेजे को ठंडक मिली हनुमान जी को कि देखो प्रभु ने मुझे पहचान लिया था। वो तो यूं ही खेल कर रहे थे, प्रभु के नयनों से बहते हुए अश्रु सब कुछ कह रहे हैं। सुन कपि जिए मानस जान ऊना, कहते हैं सुन कपि, राम जी कहते हैं सुनो हनुमान, जिए ऊना, ऊना माने कम, छोटा, कि अपना दिल छोटा मत करो। क्या क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम भजन करना नहीं जानते, हृदय तुम्हारा कपट से भरा है, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो हनुमान। नहीं, अपना जी छोटा मत करो, ऐसी बातें कह। सुन कपि जिए मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। अब राम जी हनुमान जी के मन का सारा क्लेश, संताप, दुख, पीड़ा सब हर रहे हैं, कह रहे हैं सुनो हनुमान, तय मम प्रिय, जानते हो तुम मुझे कितने प्रिय हो, लक्ष्मण ते दूना, मैं लक्ष्मण से भी अधिक दुगना तुमसे प्रेम करता हूं। देख, कहने के लिए नहीं कह रहे, जैसे दुनिया फॉर्मेलिटी के लिए पता नहीं क्या क्या कह देती है, राम कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते, कोई औपचारिकता नहीं निभाते, राम विवाक बात बोलते हैं, सपाट सीधी बात बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं। और बिल्कुल सत्य से कहा उन्होंने कि हनुमान मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूँ। समदर्शी मोहि कहे सबको, कहते हैं कि दुनिया मुझे सब समदर्शी कहती है, राम कह रहे हैं हनुमान जी, हनुमान जी को देखो किस तरह से सांत्वना दे रहे हैं, सच्ची सांत्वना, झूठी नहीं, बहकाने वाली नहीं। देख लिया कि हनुमान जी का मन मुरझा गया है, दुखी हैं, आत्मग्लानी से भर गए हैं कि मैं देखो छल पूर्वक प्रभु का भेद लेने आया था, अब बारी राम जी की है। कि भक्त अवसाद में है, दुख में है, आत्मग्लानी में है, तो उसको कैसे खुश करना है, प्रसन्न करना है कि उसके जी का ये जो कांटा गड़ा हुआ है उसके जी में वो निकल जाए। तो क्या कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो और सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है हनुमान, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गत सो। ठीक है समदर्शी कहता है, लेकिन फिर भी
मुझे अपने सेवक बहुत प्रिय है। सेवक अर्थात भक्त। राम जी कह रहे हैं, हनुमान सुनो, ठीक है सब दुनिया कहती है मैं समदर्शी हूँ, लेकिन समदर्शी हूँ नहीं, भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं, उसका कारण क्या है? अनन्य गति सो, क्योंकि उनको मेरे अलावा उनकी कोई गति नहीं है। मेरे भक्त सिर्फ मेरे भरोसे रहते हैं, सिर्फ मेरे भरोसे। तो जो राम भरोसे है, राम तो उनकी चिंता करेंगे ही करेंगे। तो राम कहते हैं, मुझे वे अधिक प्रिय हैं मेरे भक्त, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। बाकी दुनिया का तो और बहुत सहारा है, बहुत सहारे उनके पास। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि हमारी बाजू में इतना बल है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमें राम वाम नहीं चाहिए। तो राम जी कह रहे हैं, बाकी सबके कोई ना कोई सहारे हैं, लेकिन मेरे भक्त, उनको सिर्फ मेरा ही सहारा है, वो मेरे भरोसे रहते हैं, तो इसीलिए वे मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। सो अनन्य जाके अस मति ने टरही हनुमंत। कहते सुनो हनुमान, उनकी ऐसी अटल बुद्धि है कि जो इस बात से कभी नहीं टलती कि हमें तो राम जी का ही भरोसा है। ऐसी अनन्य बुद्धि, अनन्य, जो कभी नहीं हटती, जिसके समान कोई दूसरी बुद्धि हो ही ना, ऐसी अटल बुद्धि है उनकी कि जो भी हैं हमारे राम जी हैं, वे हमारे लिए जो करेंगे ठीक करेंगे, हम तो उन्हीं के भरोसे हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सुनो हनुमंत, जो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, और ये जो जड़ चेतन जितना अभी जगत फैला हुआ है ना चारों तरफ, ये सब मेरे प्रभु, मेरे भगवान का ही रूप है। जो पूरे संसार को मेरा रूप देखते हैं, मुझ पर अपना अनन्य भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय। अब राम जी ने कितनी बड़ी बात यहाँ पे, एक वर कहता है ये संसार धोखा है, झूठ से भरा है, सपना है, लेकिन राम कह रहे नहीं, यह पूरा संसार मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रतिफलन है, मेरा ही प्रतिबिंब है पूरा संसार। और जो ये बात ऐसी समझ लेता है कि ये सारा संसार राम के द्वारा ही बनाया गया है, तो फिर राम की बनाई हुई चीज़ को कोई कैसे तोड़ेगा, कैसे उसका नुकसान करेगा, कैसे उसकी हानि करेगा? कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि ये सारे संसार का निर्माण हमारे भगवान ने किया है, उसने इस सारे संसार को बनाया है, और सभी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं कि हमारे भगवान ने सारा संसार बनाया, तो ठीक है, तुम्हारे भगवान ने बनाया, हमें कोई इनकार नहीं है, हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे भगवान ने बनाया। तो अब ये बताओ कि तुम्हारे भगवान की बनाई हुई जो चीज़ है, तुम्हारे भगवान के, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? बताओ, नुकसान पहुंचाओगे क्या, या उससे प्रेम करोगे, उसका सम्मान करोगे, उसकी देखभाल करोगे? हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई है, अच्छी बातें बनाई, तो उसका सम्मान करो ना। कोई कह रहा है जी किशन भगवान ने बनाई है, कोई कह रहा है शंकर भगवान ने बनाई है, ये राम जी ने बनाई नहीं दुनिया, कोई किसी और देवता का नाम ले रहा है, कोई बात नहीं, मान लिया राम जी ने नहीं बनाई दुनिया, तुम्हारे भगवान ने बनाई, तो फिर उसकी बनाई हुई चीज़ को क्यों नहीं संभालते हो, क्यों नहीं संवारते हो, क्यों नहीं सहेजते हो, क्यों नहीं उसका आदर सम्मान पालन पोषण देखभाल करते हो? कारण क्या है? ये केवल बाहर बाहर की बातें हैं, भीतर से थोड़ी ना मानते हैं, भीतर से नहीं मानते। देख पवन सुत पत अनुकूला, हृदय खरश बीती सब सोला। अब पवन पुत्र हनुमान ने देखा
कि अरे राम जी तो मेरे अनुकूल ही हैं, वे तो खेल कर रहे थे, लीला कर रहे थे। हृदय हर्ष बीती सब सूला, उनका हृदय बहुत हर्षित हो गया, और जो शूल जो कांटे गड़े हुए थे व्यथा के दुख के सब गायब हो गए, खुशी से झूम उठे नाच उठे। नाथ सैल पर कपिपति रही हैं और फिर क्या कहते हैं कि हे नाथ इस पर्वत के ऊपर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। सो सुग्रीव दास तब ओहि है, वे वानर राज सुग्रीव वे आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, हे मेरे स्वामी आप उनके साथ मित्रता कर लीजिए, उन्हें अपने मित्र रूप में स्वीकार कर लीजिए। दीन जानते ही अभय करीजिए, उनको अपना भक्त जानकर अभय दान दे दीजिए, वो बहुत भयभीत है, बहुत भयभीत। अब देखिए हनुमान जी कितनी गहराई रखते हैं, कितनी गहराई। अभी उन्होंने राम जी से क्या कहा कि इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वे आपके दास हैं, सेवक हैं, लेकिन आप उनसे मैत्री कर लीजिए, मित्रता। सुग्रीव के साथ हनुमान जी मित्रता का संबंध क्यों स्थापित करवाना चाह रहे हैं? स्वयं तो कभी नहीं कर रहे, खुद तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे आप अपना दोस्त बना लीजिए, मेरे साथ मित्रता कीजिए, अपने बारे में तो एक बार भी नहीं कहा। तो सोचो क्यों नहीं कहा और क्यों सुग्रीव के बारे में कह रहे हैं? सुग्रीव में तो बेहिसाब अवगुण है, किंतु हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से कि आप सुग्रीव को अपने मित्र रूप में स्वीकार कीजिए। बताइए क्या उत्तर है आपके पास? जब कह दिया कि वो आपका सेवक है, दास है, तो क्यों नहीं हनुमान जी ने कहा कि आप उसे अपना दास स्वीकार कीजिए जैसे मुझे किया हुआ है? वहां मित्रता की बात कर रहे हैं, बताऊंगा आगे, तब तक सोचते रहिए, थोड़ी सी देर बाद बता दूंगा। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कर आए हैं। सुग्रीव सीता की खोज करेंगे, जहां तह मरकट कोटि पठाए हैं, इधर उधर यत्र तत्र जहां भी होगा करोड़ों वानरों को भेजकर उनकी खोज करवाएंगे। यही विधि सकल कथा समझाई, इस तरह से कहकर उन्होंने सारी बात राम जी को समझा दी। लिए दो जन पीठ चढ़ाए और राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर, अपने कंधों पर बिठाकर और सुग्रीव के पास लेकर चल दिए। अब एक प्यारे भक्त ने मुझसे पूछा, हैं भक्त कुछ ऐसे जो बहुत निकट हैं जिनके प्रश्नों के तत्काल उत्तर में दे देता हूं, और बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं वे साथ, उनकी यात्रा हो रही है। तो ऐसे ही एक भक्त के मन में जिज्ञासा आई कि हनुमान जी इस समय राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर क्यों ले जा रहे हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तो कहा है कि वो बल की सीमा है, बहुत बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, और हनुमान जी उनको अपनी पीठ पर या कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास लेकर जा रहे हैं, क्या वो पहाड़ नहीं चढ़ सकते? क्या यहाँ पर लॉजिक है? लॉजिक तो है, पर लॉजिक के बिना बात कही जाएगी, क्योंकि उससे लॉजिक बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। दृश्य क्या है, प्रसंग क्या है? पहली बार हनुमान जी राम जी से मिले हैं, सुग्रीव के पास लेकर जा रहे हैं। अब दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी धार्मिक पुस्तक को लेकर जाते हैं तो सिर पर रख कर लेकर जाते हैं। आदर देने की जो सबसे उच्च अवस्था है वो होती है सिर, आदर देने की। इसीलिए देखा होगा सेना में भी सब सैल्यूट करते हैं, यहाँ से नमस्कार भी कर रहे हैं तो यहाँ से, तो सारा आदर यहाँ से जाता है, सिर से। क
कहते हैं ना किसी किसी के बारे में, अरे तुमने तो इसको सिर पे चढ़ा रखा है, यानी इतना आदर दे रखा है, इतना सम्मान दे रखा है। भरत जी भी जब प्रभु श्री राम के चरण पादुकाएं लेकर गए थे तो सिर पर रखकर लेकर गए थे। तो अब पहला कारण तो समझ में आ गया ना कि हनुमान जी इतने हर्षातिरेक में भरे हुए हैं, भाव में भरे हुए हैं कि प्रभु से कहा कि नहीं प्रभु आप बैठिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। और राम जी ने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, नो नो इट्स थैंक्स, रहने दो हनुमान, हम पैदल चले जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी मत करो हनुमान, कुछ नहीं, यही तो मानता है। वे भाव देख रहे हैं हनुमान जी का। अगर राम जी कहते कि नहीं हनुमान हम ऐसे ही चलेंगे, तुम परेशान मत हो, हम पैदल चलेंगे, तो हनुमान जी का हृदय बुझ जाता, उदास हो जाते। अभी जो इतने प्रसन्न हुए उनकी सारी प्रसन्नता चली जाती कि प्रभु ने लगता है मुझे क्षमा नहीं किया, अभी तक मुझसे दूरी बनाकर रखी हुई है। तो सहज स्वाभाविक रूप से प्रभु ने स्वीकार कर लिया। और अब दूसरी बात, यदि हनुमान जी अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास नहीं लेकर जाते तो सुग्रीव का दिल वहाँ धड़कता ही रहता मारे डर के, कि अरे जो पीछे पीछे आ रहे हैं शस्त्रधारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी के पीछे इन्होंने पिस्तौल लगा दी हो, कि हनुमान आगे आगे चलो और लेके चलो सुग्रीव के पास, और उधर सुग्रीव भी डर के मारे सांस ना ले पा रहा हो कि अरे हनुमान ने तो मुझे इशारा भी नहीं किया, मैंने कहा था कि भैया इशारा कर देना, दो खतरनाक लोग आ गए हैं इस तरफ और उसने कुछ भी नहीं किया, तो कुछ मामला गड़बड़ है। और जब देख रहे हैं सुग्रीव कि हनुमान जी तो उन दोनों योद्धाओं को अपने कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं, तो सारा परिदृश्य, सारा सिनेरियो बदल जाता है, सब कुछ, कि हनुमान जी जिसको कंधे पर बिठा कर लाएंगे आदर सहित, कौन होगा वो, कौन होगा। तो वे सब मंत्रीगण सुग्रीव के, जिनकी दिल की धड़कनें धड़क रही थी मारे डर के, सांसें अटकी पड़ी थी, वे सब इस दृश्य को देखते ही एकदम प्रसन्न हो गए, शांत हो गए कि निश्चित ही हनुमान जी जिन्हें लेकर आ रहे हैं वे सुग्रीव के सबसे बड़े शुभचिंतक सिद्ध होंगे। कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी घटना। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दियोजन पीठ चढ़ाई, तब सुग्रीव राम कहूं देखा, तब सुग्रीव ने राम की ओर देखा कि अरे हनुमान जी पीठ पर बिठाकर ला रहे, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, और मान लिया कि अब तो मेरा जन्म धन्य हो गया, अतिशय अतिशय धन्य, कि धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं कि हनुमान जी जिनको लेकर आ रहे हैं वे मेरे सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। अपनी धन्यता पर वे आनंदित हो रहे हैं। सादर मिले हूं नाई पद माथा, सुग्रीव बहुत आदर सहित प्रभु श्री राम से मिले, और कैसे मिले कि अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। भेटे हूं अनुज सहित रघुनाथा, रघुनाथ जी अपने भाई के साथ सुग्रीव से मिलते हैं, अभिवादन होता है परस्पर। कपि कर मन विचार यही रीति, कर ही विधि सो सन ए प्रीति। और सुग्रीव मन ही मन ये सोच रहे हैं कि क्या प्रभु मुझसे प्रीति करेंगे, अर्थात मित्रता करेंगे, क्या मुझे मित्र रूप में ये स्वीकार करेंगे, मन ही मन सोच रहे हैं, अर्थात मेरे सहायक सिद्ध होंगे, यही सोच रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, तब हनुमान जी ने दोनों तरफ की सारी कथा सुना दी। पावक साखी दई कर जोरी प्रीत दृढ़ाई, और उन्होंने बाद हनुमान जी ने वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की, और अग्नि में प्रज्वलित करके
सुग्रीव की और राम जी की मित्रता कराई। शादी होती है ना, अग्नि के फेरे होते हैं, इसी तरह से हनुमान जी ने पूरे फेरे करवाए थे वहाँ पर, दोस्ती के फेरे, मित्रता के फेरे, कि हम इस मैत्री को सदा बनाए रखेंगे, ये मैत्री हमारी कभी नहीं टूटेगी। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी बनाकर राम जी और सुग्रीव दोनों की मित्रता गांठी कि अब ये कभी नहीं टूटेगी, ऐसी मित्रता। कीनी प्रीत कछु बीच न रखा, और ऐसी मित्रता बनाई कि दोनों ने अपने बीच में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं छुपा कर रखा, ये कोई किसी से कुछ छिपाएगा नहीं। अग्नि की मित्रता ऐसी होती है कि कहीं कुछ छिपाया नहीं जाता। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, और लक्ष्मण ने तब प्रभु राम का सारा चरित्र, सारी कथा सुग्रीव को कह दी, सब सुना दिया। कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिल ही नाथ मिथिलेश कुमारी। सारी बात सुनने के बाद सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए और वे कहने लगे सुग्रीव कि प्रभु मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मंत्रिणी सहित यहाँ एक बारा, बैठ रही हूँ मैं करत विचारा। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु मैं इसी पर्वत पर बैठा था एक बार अपने मंत्रियों के साथ, और कुछ विचार विमर्श कर रहा था, बातचीत हो रही थी। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। तभी मैंने देखा गगन मार्ग से एक वशीभूत स्त्री, किसी के वश में हुई स्त्री बिलखती हुई जा रही है, रोती हुई जा रही है, चीखती चिल्लाती रक्षा के लिए, और कोई उसे हर के ले जा रहा था बलपूर्वक। राम राम हा राम पुकारी, और वह बार बार आपका ही नाम पुकार रही थी, राम राम राम। निश्चित रूप से वे वैदेही ही थी, सीता जी ही थी जो बार बार आपका नाम पुकार रही थी। हम ही देख दीने पट डारी, और मैंने देखा उस ओर कि कौन है जो इस तरह से त्राही त्राही करता हुआ, राम राम कहता हुआ पुकार रहा है। तो मुझे देखते हुए उन्होंने अपना एक वस्त्र फेंक दिया। मांगा राम तुरंत ही दीना, राम ने कहा लाओ मुझे वो वस्त्र दिखाओ। सुग्रीव तत्काल लेकर आए और उन्होंने दिखाया ये वस्त्र, पहचान गए प्रभु ये वही वस्त्र है सीता का, जब उसने मुझे भेजा था हिरण के पीछे, यही वस्त्र उसने धारण किए हुए थे और यही उसका वह दुपट्टा है। पट उर लाई सोच अति कीना, उन्होंने उस वस्त्र को अपने हृदय से लगा लिया और सोच में डूब गए, सीता जी की चिंता में, उनके प्रेम में डूब गए। प्रेम देख रहे हैं प्रभु का, देख रहे हैं ना, सीता जी का वस्त्र मिला है जो उन्होंने अपनी पहचान के रूप में ऊपर से फेंक दिया था, और उसको ही हृदय से लगाकर प्रभु सोच में डूब गए। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा, ऐसा प्रेम। पूरा ब्रह्मांड छान जाइए, राम जैसा प्रेम कहीं मिल ही नहीं सकता, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। प्रभु श्री राम को इस प्रकार से चिंता मग्न देखकर, दुखी देखकर, उदास देखकर, निराश देखकर, हतोत्साहित देखकर सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु सुनहु रघुबीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। इस चिंता को छोड़ दीजिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए, सब प्रकार कर ही सिविकाई, जही विधि मिली ही जान की आई। मैं हर प्रकार से वह उपाय करूंगा, सेवा करूंगा हर प्रकार से, जिससे जानकी जी आपके पास आ जाएं, आपको वे मिल जाएं। आप इस चिंता का त्याग कर दीजिए। सखा बचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सिंह,
अपने सखा के सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर, वे जो कृपा के सागर हैं, वो जो बल की सीमा है, वे बलवीर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। अब श्रेय देना है सुग्रीव को, उन्होंने तो प्रसन्न हो गए कि सुग्रीव मेरी कितनी सहायता करेगा, बहुत प्रसन्न हो गए। और क्या कहते हैं, कारण कवन बस हूँ बन मोही कहूँ हूँ सुग्रीव। कहते हैं सुग्रीव तुमने मेरी सारी बात सुन ली, जान ली, और तुम यह कह रहे हो कि हर प्रकार से मेरी सहायता करोगे, हर प्रकार से सीता की खोज करोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, तुम तो वानर राज हो, तो क्यों तुम इन वनों में रह रहे हो, जंगलों में रह रहे हो, अपने साम्राज्य में क्यों नहीं हो? और जिस तरह से तुम जीवन जी रहे हो, उपेक्षित डरा हुआ, वह सब मुझसे कहो। इन जंगलों में, इन पर्वतों पर रहने का अपना जो कारण है, वह मुझसे कहो। अब मित्रता हुई है तो मित्र के सुख दुख भी बांटे जाएंगे, साझा होंगे। अब प्रभु ने सुग्रीव का दुख दूर करने के लिए उनसे पूछा है कारण। अब सुग्रीव जो अपना कारण बताएंगे, वे हम सब एक साथ जानेंगे, एक साथ सुनेंगे, गुनेंगे, बुनेंगे, समझेंगे। अब सारी यात्रा बहुत गहरे से समझने की यात्रा है, बहुत गहरे से, और संभाल कर रखने वाली बातें हैं जो अब चल रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें अब संसार से जुड़ी हुई सीधी सीधी बातें हैं। भक्ति का तत्व तो है इनमें, निश्चित रूप से है, लेकिन जिंदगी कैसे जिए, संसार कैसे जिए, ये बात उन पर ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित करती हैं, वहाँ से बहुत कुछ ये सिखाती हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है, हम कितना सीखना चाहते हैं। राम जी तो सब सिखा रहे, सब सिखा रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यारे तो सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यारे तो सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यारे तो सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यारे तो सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता।